262 लाख की लागत से बने आईजी कार्यालय का उद्घाटन किया देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली जुड़कर। इस दौरान रीवा जिले के 2 थानों के भवनों को भी लोकार्पण किया गया। 262 लाख की लागत से बने आईजी कार्यालय का उद्घाटन किया देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली जुड़कर। इस दौरान रीवा जिले के 2 थानों के भवनों का भी लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम आपको बता दें, देश के गृह मंत्री इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ रीवा में नवनिर्मित आईजी भवन का आज विधिवत लोकार्पण कर दिया। 262 लाख की लागत से बने नवनिर्मित आईजी कार्यालय का शुभारंभ किया देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से भोपाल से जुड़कर। इस दौरान 2 नवनिर्मित थानों के भवनों का भी शुभारंभ किया गया। हम आपको बता दें, देश के गृह मंत्री इन दिनों मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। रीवा का नवनिर्मित आईजी भवन रीवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वर्चुअल माध्यम से रीवा में बने नवनिर्मित आईजी कार्यालय भवन का लोकार्पण कर रहे थे। लगभग 262 लाख की लागत से बने इस नवीन आईजी कार्यालय के अलावा 2 अन्य नवनिर्मित बिछिया एवं पनवार थाने का भवन का भी आज लोकार्पण किया गया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जहां गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़े, वहीं रीवा में लोकार्पित होने वाले नवनिर्मित आईजी कार्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मजबूरी में लोग चढ़ाई किए हुए हैं तो काम कर रहे हैं, और एक ऐसा होता है कि अंदर से उत्साह रहता है कि आज हमारा आईजी ऑफिस बन रहा है, बहुत अच्छा। डीआईजी ऑफिस भी जल्दी बनाइए, क्योंकि अभी डीआईजी ऑफिस जहां आपने प्रस्तावित किया है वहां पर आने वाले दिनों में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। तो एक अच्छा आईजी ऑफिस भी इसी प्रकार से बन के तैयार हो, और आप पुलिस डिपार्टमेंट का काम ऐसा हो कि हम लोग गर्व कर सकें कि रीवा में पुलिसिंग का काम मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर है हमारे रीवा रेंज में। ऐसी मैं आपको बधाई के साथ शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे काफ़ी हम चिंतित हैं। पिछले एक वर्ष में हम लोग करीब 14.5 करोड़ का ये जो इनका ड्रग माफिया का रैकेट हमने भंडाफाड़ किया है, और इसमें 1,20,000 के कोरेक्स बॉटल्स भी हमने दस्त किया है। ये जो सप्लाई हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों से वहाँ उगाया जा रहा है, वहाँ जो वामपंथी नक्सल जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ताकि उनका बजट 40% बजट उनसे उसमें मिलता है। खैर, जोन में जो है पिछले एक वर्ष से सीएम हेल्पलाइन में हमारे जिले सतना और सिंगरौली टॉप कर रहा है, नंबर 1 पोजीशन में आ रहा है। सीधी 6 नंबर पे, रीवा 7 नंबर पे। इस साल हमने करीब 27,000 सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट्स को निराकरण किया है। पिछले साल हमने 33,000 कंप्लेंट्स हमने निराकरण किया। इससे हमारी जो निराकरण की क्षमता बढ़ गई है, और दूसरी बात है कि सीएम साहब के उनके गवर्नेंस में इसमें भरोसा बढ़ गया है। पिछले एक साल में कई हमने लॉ एंड ऑर्डर हम लोग सॉल्व करते आते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पुलिस फोर्स जो है लॉ एंड ऑर्डर फेस्टिवल्स में लगा रहता है। आप देखेंगे चित्रकूट में हर महीने 4 लाख के आसपास फुटफॉल रहता है, और मैहर में जो मंदिर है उसमें भी नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में फुटफॉल जो है 4 से 5 लाख रहता है पर डे। इस तरह हम लोग लॉ एंड ऑर्डर्स में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दीपावली हो, दशहरा हो, महाशिवरात्रि हो, इसे इस वर्ष में हम लोग हर घर तिरंगा का प्रोग्राम हर थाने क्षेत्र में, हर ओपी क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में बड़ा सक्सेसफुली हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया है। इसमें आपने देखा होगा पूरा काकीमय हुआ है।